देखिए, इस समाज में पढ़ा लिखा समाज अगर आता है तो बहुत तरह के बदलाव आ सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके हर तरह की चीज़ें बहुत ला सकता है इंसान। प्लस यहाँ के जो रोड हैं, पानी में आप बारिश में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा पानी का जल जमाव हो जाता है, लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जो आने वाले रविवार के दिन मैं कार्यालय का उद्घाटन करने वाली हूँ और जितनी भी लोगों की समस्याएं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आके कहें कि मैडम हमारा राशन कार्ड नहीं है, श्रम कार्ड नहीं है, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है, तो उस कार्यालय में लोग आके हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और जो भी उनकी समस्याएं हैं, लाइट हो, पानी को लेके हो, या उनके राशन कार्ड को लेके हो, जो भी चीज़ें हो, वो वहाँ आके हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं और जो भी समस्याएं होंगी उनको मैं हल करने की कोशिश करूँगी। कॉम्पिटिशन की जहाँ तक बात आ गई है तो बहुत सारे लोग चुनाव को देख के कॉम्पिटिशन में आए हैं, बट हम तो शुरू से यहाँ के हैं, रह रहे हैं और काफ़ी समय से काम करते आ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन की बात है या फिर कोई ऐसा कॉम्पिटिशन हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं जो कि एक समाज सेवी भी हैं। बात कर रहे हैं हम बीटा नगर परिषद चुनाव की। तो बीटा नगर परिषद चुनाव के अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार राजू सिंह की धर्मपत्नी दिव्या सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज इनसे हम बीटा के विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। इन्होंने क्या कुछ तैयारी की है चुनाव को लेकर, आने वाले समय में अगर ये अध्यक्ष पद पर इनके पति राजू सिंह जाते हैं तो क्या कुछ कल्प काया, क्या रूपरेखा बदलेगी बीटा की, क्या कुछ समाधान इनके तरफ से निकाला जाएगा, बीटा की जनता को क्या मैसेज जाएगा, आज सब कुछ इस इंटरव्यू में जानेंगे। तो सबसे पहले मैम वेलकम हमारे चैनल पर, और आपके पति राजू सिंह अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे हैं, आप किस तरीके से इस चुनाव को देख रही हैं, क्या कुछ आपने प्लानिंग की है? सबसे पहले तो मेरे बीटा नगर के सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। मैं दिव्या सिंह, राजू सिंह की पत्नी, और इस चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहिता देखी जा रही है सभी लोगों में और हम भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। बहुत तरह के काम करने की चीज़ें जारी रखी हैं हमने और बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमसे कहने के लिए कि इस चुनाव में आप आगे आइए, क्योंकि आपको बहुत जगह काम करते हुए देखा गया है, आपको बहुत लोगों की मदद करते हुए देखा गया है, तो आप जैसा अगर उम्मीदवार हमारे बीच आएगा तो यहाँ की रूपरेखा बदलेगी। तो रूपरेखा बदलने की तैयारी है, क्या कुछ सोचा है अगर आप लोग चुनाव जीत के आगे जनता के बीच आएंगी तो क्या बदलाव, सबसे पहला बदलाव क्या होगा? देखिए, इस समाज में पढ़ा लिखा समाज अगर आता है तो बहुत तरह के बदलाव आ सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके हर तरह की चीज़ें बहुत ला सकता है इंसान, पढ़ा लिखा इंसान जो है बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पर बदलाव ला सकता है, तो इसलिए हमने ये सोचा है कि स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे सबसे अहम मुद्दा रहेगा ध्यान देने का। प्लस यहाँ के जो रोड हैं, पानी में आप बारिश में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा पानी का जल जमाव हो जाता है, लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि जो रोज़ की चीज़ें होती हैं, रोड हो, आपको मेडिसिन की फैसिलिटी हो, तो ये सारे जो नीड है, जो रोज़ के लोगों की नीड है, उस सब पे ध्यान दिया जाए। लाइट की भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, हमें बताया गया कि रात को काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, बहुत सारे लोग घर से निकल नहीं पाते हैं, जो एक क्राइम को भी बढ़ावा आप देख सकते देता है, तो हम लोगों ने लाइट लगवाया, स्ट्रीट लाइट्स बहुत ज़्यादा लगवाए हैं और अभी भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं हमें कि मैडम यहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे नहीं है, तो उस पर भी हम काम अभी से ही करना शुरू कर दिए हैं। तो काम करना आपने शुरू कर दिया है ताकि अगर आप जीत के आएंगे तो वो सारी चीज़ें और भी ज़्यादा हो पाएंगी। क्या कुछ आपने तैयारी की है, मतलब लोग आपके पास किस स्तर से पहुँच पाते हैं? बीटा में आपका कोई कार्यालय है या कोई ऐसी जगह है जहाँ तक लोग आपसे, जहाँ पर जाके लोग आपसे मिल सकते हैं? जी, इसीलिए मैं खुद बीटा बार बार वहाँ जाके लोगों से बात करती थी और जनसंपर्क खुद किया, तो मुझे ये लगा कि एक कार्यालय की कमी है वहाँ पे, जो आने वाले रविवार के दिन मैं कार्यालय का उद्घाटन करने वाली हूँ और जितनी भी लोगों की समस्याएं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आके कहें कि मैडम हमारा राशन कार्ड नहीं है, श्रम कार्ड नहीं है, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है, तो उस कार्यालय में लोग आके हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और जो भी उनकी समस्याएँ हैं, लाइट हो, पानी को लेके हो, या उनके राशन कार्ड को लेके हो, जो भी चीज़ें हो, वो वहाँ के हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं और जो भी समस्या होंगी उनको मैं हल करने की कोशिश करूँगी। मतलब
मतलब आप जनता के लिए तत्पर हैं, जनता की प्रॉब्लम्स का सलूशन आप निकालने के लिए एकदम तत्पर है। तो मैम ये बताइए कि वहाँ की महिलाएं, क्योंकि बीटा एक आउटस्कर्ट एरिया है तो निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है, पढ़ने जाने में लड़कियों को काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसका सलूशन कैसे आप निकालेंगे कि महिलाएं एकदम बेफिक्र होकर निकले? देखिए, जब मैं खुद जनसंपर्क करने गई तो सब लोगों ने ये कहा भी और ख़ुद राजू जी ने ये कहा कि अगर हम दोनों काम करेंगे तो ज़्यादा काम हो सकेगा। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोग महिलाएं से ज़्यादा कह सकते हैं, महिलाएं से अपनी सारी समस्याएं बता सकते हैं। तो बहुत सारी औरतों ने मुझे कहा कि रात में निकलने में समस्या होती है या कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो इसलिए एक सबसे पहले लाइट की व्यवस्था हमने कराई जो लोगों को एक थोड़ी सुरक्षा महसूस हो अपने रात बिरात गली मोहल्लों में भी। और दूसरी, हम ये कोशिश करेंगे कि एक दो लोग हो सरकार की तरफ से, ये मदद मिले हमें कि वहाँ के जो थाने के लोग हो या एक दो राउंड पे लोग चले रात में, ताकि अगर किसी की कोई समस्या है या कोई खो गया है या किसी को रास्ता नहीं समझ में आ रहा या किसी को कहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो रात में पढ़ाई भी करती हैं, ट्यूशन भी जाती है, बट अभी भी बहुत अवॉइड करती हैं रात में निकलना, पढ़ाई उनकी काफ़ी ज़्यादा बाधित हो पाती है। तो ये हम कोशिश करेंगे कि थाने की तरफ से कुछ लोग हो जो रात में राउंड पे रहें और उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। ज़रूरत है समाज में एक शिक्षित उम्मीदवार की और आप वो हैं और आपके पति इस बार अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है कि जनता को एक सलूशन मिलेगा। जब आपने जनसंपर्क किया तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? जी, बहुत ज़्यादा क्राउड आया और बहुत अच्छा लगा। लोगों को ये लगा कि नहीं, कोई ऐसा उम्मीदवार है जो हमसे आके सीधा बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ प्रचार करने आया है या सिर्फ हमें अपने ताकत को दिखाने आया है, ये पहला प्रत्याशी है जो काम मांगने आया है और काम करके मेरे दरवाजे पे आया है। तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव देखा गया, बहुत सारे लोग आए जो मुझसे सीधा बात किए और उन्हें लगा कि ये काम कर कर आए हैं, तो अगर हम इनसे समस्याएं कहेंगे तो हमारा हल ज़रूर निकलेगा क्योंकि ये काम करेंगे हमारे लिए। तो मैम, अब मेरा आखिरी सवाल कि बहुत सारे लोग इस चुनावी मैदान में हैं, काफ़ी उम्मीदवार है इस बार के चुनाव में, आप कंपटीशन के तौर पर कैसे देखती हैं इसे, क्या चुनौती है आपके लिए सबसे बड़ी? देखिए, हमने शुरू से कहा है कि हमारे लिए बीटा कोई क्षेत्र नहीं है, हमारा अपना घर है और राजू सिंह जी का जन्म स्थल है, तो अपने घर को किस तरह देखना चाहिए, कोई भी चाहेगा कि अपने घर को हम सबसे अच्छा बना सके, बेहतर बना सके, क्योंकि हमारी पहचान यहाँ से है। तो हम अपना पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो भी चीज़ें हो अच्छी हो, अपनी तरफ से अच्छा काम कर सके, और बाकी तो लोगों का प्यार और साथ हमें मिल ही रहा है और आगे भी मिलता ही। कॉम्पिटिशन की जहाँ तक बात आ गई है तो बहुत सारे लोग चुनाव को देख के कॉम्पिटिशन में आए हैं, बट हम तो शुरू से यहाँ के हैं, रह रहे हैं और काफ़ी समय से काम करते आ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन की बात है या फिर कोई ऐसा कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो दिव्या सिंह से हमने जाना कि चुनावी मैदान में कोई कॉम्पिटिशन की बात नहीं है, क्योंकि ये बीटा इनके लिए इनका क्षेत्र नहीं है, इनका घर है और घर के लोगों को संभालना वहाँ की मुखिया की जिम्मेदारी होती है। और ये सारी चीज़ें हमने आज इनके साथ जानी कि जब ये इनके पति राजू सिंह चुनाव जीत के अध्यक्ष पद पर कार्यरत होंगे तो किस तरीके से बीटा की रूपरेखा जो है वो बदलेगी, बीटा के लोगों को मदद मिलेगी। खासकर आज दिव्या सिंह से हमने महिलाओं पर भी बातचीत की और बीटा की महिलाएं अगर ये चुनाव जीत कर आते हैं तो सुरक्षित होंगी, पढ़ाई साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंपर्क अभियान इनके तरफ से चलाया जा रहा है, आने वाले रविवार को कार्यालय का उद्घाटन मैम आपकी तरफ से किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है ताकि लोग सीधे आपसे संपर्क कर सके। साथ ही साथ हमने काफ़ी मुद्दों पर बात की और सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिक्षित उम्मीदवार इस बार के चुनावी मैदान में है, जो कि जनता को सिर्फ जनता नहीं लेकिन अपने घर के सदस्य के तौर पर मान रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए।